तेरे प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना। जय मसीह की। होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब आशीष पाएंगे। है पिता सुनना पिता, क्या तू नहीं बोलेगा? है पिता सुनना पिता, एक बार तो बोलना पिता। चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा, चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा। कब तक करूँ मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार। कब तक करूँ मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार। सुनना चाहूँ तुझसे हद है पिता, मेरे पिता। सुनना चाहूँ तुझसे हद है पिता, मेरे पिता। है पिता सुनना पिता, क्या तू नहीं बोलेगा? है पिता सुनना पिता, एक बार तो बोलना पिता। चेहरे की तेरी हंसी देती है मुझको जिंदगी, चेहरे की तेरी हंसी देती है मुझको जिंदगी। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। देखना चाहूँ तुझको हरदम है पिता, मेरे पिता। देखना चाहूँ तुझको हरदम है पिता, मेरे पिता। है पिता सुनना पिता, क्या तू नहीं बोलेगा? है पिता सुनना पिता, एक बार तो बोलना पिता। आप नहीं आए तो कौन आएगा? आप नहीं बोले तो से बोलेगा?
तो कौन आएगा, आप नहीं बोले तो कौन मुझसे बोलेगा। कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, 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 बोलो ना। जय मसीह की। फिर से एक और बार इस एपिसोड के द्वारा आपके बीच में पहुंचने का जो सौभाग्य उस महान परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उसकी महिमा करता हूं, क्योंकि वो सचमुच में महान है और उसको हम कितना भी धन्यवाद दें बिल्कुल कम है। पिछले काफी महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है और मेरे प्रियो, प्रभु ने यहाँ तक हमें पहुँचाया और बहुत आशीष और अनुग्रह से हमें भरा, तृप्त किया, इसलिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपके दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम को अगर आप में से कोई भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के लिए काफ़ी बड़ा एक खर्च, धनराशि की ज़रूरत है। हमारी छोटी सी कलीसिया बहुत ही मुश्किल के साथ धन जुटा पाता है ताकि ये शुभ समाचार आप तक पहुँचाए, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा अगर आपको प्रेरित करती है तो जरूर आप हमें मदद करें, आप हमसे संपर्क करें, तो हम अपने बैंक डिटेल्स और सारा जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके प्रार्थना निवेदन और विषय हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें, हम आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर, जिसने आज तक हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया, वो आगे भी आपके लिए हर एक विषयों को वो सुनेगा और जवाब देगा। आमेन। पिछले सप्ताह मैंने एक विषय प्रारंभ किया था, वो था वाचा का व्यक्ति, वाचा का अगुआ। और हमने पहले शमूएल में से कुछ उदाहरणों को लिया जिसको हम सीखते आ रहे हैं, और वो दो उदाहरण थे, एक शाऊल राजा और दूसरा था दाऊद राजा। और हमने बताया कि दोनों को शमूएल नबी ने अभिषेक किया था इज़राइल के राजा के रूप में, लेकिन शाऊल राजा वाचा का अगुआ नहीं था, वाचा का राजा नहीं था, लेकिन हमने देखा कि दाऊद वाचा का व्यक्ति था, वाचा का अगुआ था और वाचा का राजा था। आज हम उसी विषय में और आगे बढ़ेंगे। हमने समाप्त किया था पिछले सप्ताह पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय पे, और हमने उसके 29वां पद आखिरी में पढ़ा था, और वो ये था 18:29, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। सदा के लिए, इसका मतलब शाऊल के जीवन के अंत तक वो दाऊद का बैरी बन गया। क्या जरूरत थी, दाऊद ने तो शाऊल को बचाया था, लेकिन अब बैरी बनने की क्या जरूरत थी, कई बार हमें समझ नहीं आता। लेकिन शाऊल के इस जीवनी को जरा हम और आगे पढ़ें तब हमको पता चलेगा। 19वें अध्याय में आ जाएं,
19वें अध्याय के पहले ही पद में हम पढ़ते हैं कि शमूएल ने अपने पुत्र योनाथन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। देखिए, इससे पहले भी कई कोशिशें कर चुका है, सफल नहीं हुआ। अब अगला कोशिश, यहां पर उसने योनाथन जो उसका बेटा था और उसके सारे कर्मचारियों से कहा कि हम दाऊद को मार डालेंगे। इसका मतलब दाऊद बचना नहीं चाहिए, जीवित रहना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर भी अपने वाचा के व्यक्तियों को बचाने के लिए कैसे कैसे अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर ने शाऊल के ही बेटे योनाथन को दाऊद का प्रेमी बना दिया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं योनाथन के द्वारा परमेश्वर ने अब दाऊद को शाऊल के हाथों से बचाया। प्रभु का काम कितना महान है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए क्या कुछ नहीं करता, शत्रुओं से ही अपना अपने बच्चों को सहारा दे रहा है। ये मेरे और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि भजन संहिता 23 में जिस प्रकार लिखा है कि वह अपने शत्रुओं के बीच में हमारे लिए मेज बिछाता है। आमेन। ऐसा ही अद्भुत काम प्रभु ने वहां किया, दाऊद फिर बच गया। इस बार योनाथन ने मदद की। अब और आगे देखते हैं, 19 का 9 से पढ़ेंगे, 19वें अध्याय उसका 9 से। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। यहां पर देखिए, शाऊल ने अगला कोशिश किया। अब वो योनाथन या अपने सिपाहियों, बाकी कर्मचारियों, किसी पर भी निर्भर नहीं है। अब वो खुद मारना चाहता है। और देखिए, उसने भाला लिया, दाऊद बैठा हुआ था वहां पर, बहुत ही स्पष्टता से लिखा है कि दाऊद वहां बैठकर वीणा बजा रहा था, तो उसने भाला लिया और ऐसा मारा कि उसका आग्रह था कि दाऊद के शरीर को छेदते हुए वो भाला दीवार में घुस जाए और उसी रीति से दाऊद वहां पर मर जाए। लेकिन जैसे ही शाऊल ने भाला फेंका, दाऊद झुक गया, भाले से बच गया और वो वहां से बचकर भाग गया, निकल गया। देखिए मेरे प्रियो, शाऊल फिर से मार डालने का कोशिश कर रहा है, फिर से हमला किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर से दाऊद को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। वो कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे के पुत्र के साथ है, वाचा के अगुए के साथ है। हालेलुया। क्या शाऊल ठंडा हो गया? नहीं। अब देखिए, 11वें पद से हम पढ़ते हैं, उसने अगला चाल रची। 19 का 11 में लिखा है, तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वह उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। दाऊद के घर के चारों तरफ उसने लोगों को भेजा, अपने सिपाहियों को भेजा कि पहरा दो, पहरा दो, ताकि सवेरे सवेरे तक, इसका मतलब नींद में ही दाऊद को मार डाला जाए। लेकिन हम पढ़ते हैं, तब दाऊद की पत्नी मीखल ने उससे बताया कि तू अगर इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे सवेरे मारा जाएगा। और मीखल ने दाऊद को, हम देखते हैं, खिड़की के जरिए उसको उतारा और उसको वहां से भगा दिया, और एक मूर्ति को लेकर उसके पलंग पर रख दिया, है ना।
कि जब लोग आए उन्होंने देखा चारपाई पे तो ग्रह देवता पड़े हैं, दाऊद बच गया। देखिए पहले जोनाथन के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, अब देखिए दाऊद के पत्नी के द्वारा परमेश्वर शाऊल के हाथों से दाऊद को बचा रहा है। शाऊल क्रोधित हो गया और 17वें पद में देखिए 19:17 में शाऊल कहता है मीकल से, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तूने मेरे शत्रु को ऐसे जाने क्यों दिया कि वो बच निकला। आमेन। देखिए शाऊल हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन हर बार परमेश्वर वाचा के अगुए, वाचा के व्यक्ति दाऊद को बचा रहा है। बात खत्म नहीं होती मेरे प्रियो, आगे आप पढ़ोगे 19वां अध्याय उसका 18 से पढ़ोगे और हम देखते हैं कि वो रामा नामक जगह पे पहुंच गया, और जब वहां पहुंचा तो ये खबर शाऊल को पता चला, और हम देखते हैं शाऊल वहां पर लोगों को भेजता है मार डालने के लिए, दाऊद को मरवाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो झुंड वहां पहुंचे तो वो झुंड मार नहीं पाए, वो वहां भविष्यवाणी करने लगे। देखिए मारने के लिए भेजे थे लेकिन जो भेजे वो आके वहां भविष्यवाणी करने लगे। उसके बाद शाऊल ने दूसरी बार लोगों को भेजा मरवा डालने के लिए दाऊद को, लेकिन वो वहां पहुंचे तो वो भी भविष्यवाणी करने लगे। बाइबल कहती है 19:21 पद में कि शाऊल ने तीसरी बार भी झुंड को भेजा और वो भी वहां पहुंचे तो भविष्यवाणी करने लगे। अब 19:22 में लिखा है आखिर में शाऊल आप ही रामा पहुंच गया, वो रामा को चल दिए, और वहां पहुंचकर बाइबल बताता है कि शाऊल भी वहां पर नबुवत करने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को वहां से भी बचाया। हालेलुया। मेरे प्रियो क्या आपको समझ में आ रहा है, वाचा के व्यक्तियों को परमेश्वर बचाता है, और जो वाचा के अगुए नहीं है वो कितना भी कोशिश करें वो सफल नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर वाचा के बच्चों को, वाचा के चेलों को, वाचा के विश्वासियों को, वाचा के अगुओं को बचाता है। हालेलुया, आमेन। मैं और आप अगर वाचा के व्यक्ति बन जाएं, वाचा के अगुए बन जाएं, वो परमेश्वर मुझे और आपको भी बचाएगा। हालेलुया। अब हम मेरे प्रियो और आगे पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि फिर कई बार शाऊल ने कोशिश किया दाऊद को मार डालने के लिए, लेकिन हर बार शाऊल ने कोशिश किया लेकिन परमेश्वर ने अपने वाचा के अगुए दाऊद को बचाया, अद्भुत रीति से बचाया। एक वचन में पढ़वाना चाहता हूं 1 Samuel 23:14। तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। आमेन। यहां पर लिखा है प्रतिदिन शाऊल ढूंढता रहा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ पड़ने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर महान है? हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो महान है, वो अपने बच्चों को बचाता है, खास रीति से वाचा का पालन करने वालों को वो बचाता है। आमेन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम 24वें अध्याय में आते हैं हम देखते हैं कि शाऊल दाऊद को ढूंढते ढूंढते लगभग 3000 लोगों को लेकर दाऊद को खोजने के लिए यहां लिखा है एनगदी के जंगल में पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंच गया, देखिए 24:3 में लिखा है जब वे मार्ग पर के भेड़शाले के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी,
तब शाऊल दिशा फिरने के उसके भीतर गया, उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। इसका मतलब देखिए, शाऊल वहां थोड़ा सा आराम कर रहा था और ऐसे में दाऊद वहां पहुंच गए, दाऊद की सेना वहां पहुंच गई। मेरे प्रियो, तब दाऊद और उसके सारे लोग जिन्होंने ये देखा, उसके सिपाहियों ने कहा, आज परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाया है, आज परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथों में कर दिया है, अब इसका जो तू करना चाहता है कर ले। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने मेरे प्रियो, वहां पर बहुत ही स्पष्टता से लिखा है उसके चौथे पद में कि तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया, एक छोटे से टुकड़े को काटकर अपने पास रख लिया। और उसने अपने लोगों से क्या कहा, उसका छठा पद, कि वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। देखिए वो कहता है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसके विरुद्ध मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। अरे उसने तो शाऊल के वस्त्र का परिधान को काटा, उससे भी वो पछताया, ऐसा बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, इसका कारण क्या है? दाऊद वाचा का अगुआ है, दाऊद वाचा का पालन करने वाला व्यक्ति है। अब देखिए, इतने बड़े शत्रु को, इतने बड़े शत्रु को परमेश्वर ने बिल्कुल उसके हाथों में दे दिया, लेकिन तब भी दाऊद क्या कह रहा है, परमेश्वर के अभिषिक्त को मैं नहीं छूऊंगा, मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरी आवाज को सुन रहे और इस कार्यक्रम को देख रहे सभी से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप वाचा के अगुए हैं, वाचा के चेले हैं, वाचा के विश्वासी हैं, तो परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके शत्रुओं से परमेश्वर आपको बचाएगा, और कोई भी आपको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो वाचा को निभाने वाला परमेश्वर है, वो अपने कवनेंट को, वाचा को कभी भी नहीं भूलता, कभी भी ना बदलता। हालेलुया, हालेलुया। और चूंकि दाऊद वाचा का राजा था, इसलिए दाऊद वाचा का व्यक्ति था, अगुआ था, इसलिए वो कहता है, परमेश्वर ने जिसको अनुग्रहित किया है, परमेश्वर ने जिसको अभिषिक्त किया है, उस दास को मैं नहीं छूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रिय दर्शकों, मित्रों, विश्वासियों, आप अगर वाचा के व्यक्ति हैं, अगुए हैं, तो आपको किसी के विरुद्ध मुंह उठाने की जरूरत नहीं है, किसी के विरुद्ध गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, किसी के विरुद्ध मारपीट करने की जरूरत नहीं है, किसी के विरुद्ध कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाचा के अगुए हैं, वाचा के व्यक्ति हैं, वो परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। और बाइबल कहती है, परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। शाऊल जीवन भर दाऊद का विरोध करता रहा, दाऊद के पीछे लगा रहा, दाऊद को पकड़ने का कोशिश करता गया, लेकिन कभी भी कामयाब हो नहीं पाया। कारण, कारण, कारण यह है, उसने वाचा को नहीं निभाया, लेकिन दाऊद ने वाचा को निभाया। हालेलुया। इसीलिए देखिए, वो दाऊद, उसके हाथ में शत्रु मिल गया है, वो मार सकता था, वहीं खत्म कर सकता था शाऊल को, उसने छुआ नहीं, उसने कहा परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, इस दास को मैं नहीं छूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी खत्म नहीं होती, मैं और आपको सिखाऊंगा अगले एपिसोड में, लेकिन आज मैं यहां पर समाप्त करता हूं। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, परमेश्वर आपको तभी ऊंचा उठाएगा, तभी आशीषित करेगा
जब आप वाचा के व्यक्ति बन जाएंगे, जब आप वाचा पालन करने वाले विश्वासी बनेंगे, जब आप वाचा के दास बनेंगे, जब आप वाचा के अगुवे बनेंगे, जब आप वाचा के चेले बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे सामर्थ के लिए। तूने हमसे बातचीत किया, इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सबको वाचा के अगुए, वाचा के विश्वासी के रूप में बना दे। दाऊद के जैसा तू बना दे, ताकि तेरी महिमा हो सके, तेरा जलवा हो सके। प्रभु, तूने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। धन्यवाद मेरे पियो। इस कार्यक्रम को हर गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे देखते रहिए। इसी एपिसोड के पढ़ाए हुए शिक्षा को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। विश्वास करते हैं कि आज के एपिसोड के द्वारा आप आशीष पाए हैं। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, ग्राउंड फ्लोर, जयसाई अपार्टमेंट, ऑपोजिट प्रियंका कॉम्प्लेक्स, गालानगर रोड, नालासोपारा ईस्ट, पालघर, महाराष्ट्र 401209। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस मोबाइल नंबर पर SMS करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर है 9823133740। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।